आदरणीय प्रधानाचार्य जी, निर्णायक महोदया एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, मैं कुशाल त्रिपाठी कक्षा एक बा का छात्र आज आपके समक्ष एक भारतीय त्योहारों से जुड़ी कथा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो रक्षाबंधन से जुड़ी है। एक समय की बात है, एक दिन कृष्ण जी अपनी चाची के घर गए थे। उनका एक पुत्र हुआ था, जिसका नाम शिशुपाल था। वह अस्वस्थ बालक था। जब कृष्ण जी उनके घर पहुंचे, उन्होंने अपना पुत्र उनकी गोद में दिया, वह स्वस्थ हो गया। उनकी चाची खुश थी, परंतु थोड़ी सी दुखी भी थी, क्योंकि जब वो पैदा हुआ था तब एक आकाशवाणी हुई थी कि जो भी इसे अपनी गोद में लेगा वह स्वस्थ हो जाएगा, वो इसकी मृत्यु का कारण बनेगा। फिर वह प्रार्थना करने लग गई, कृष्ण जी आप मेरे पुत्र को नहीं मारोगे? कृष्ण जी ने कहा, नहीं मारूंगा, जब वह 100 गलतियाँ पार कर बैठेगा तब मैं उसे ज़रूर सजा दूंगा। फिर बहुत समय बाद वो एक राजा बन गया। एक दिन भरीसवा में शिशुपाल कृष्ण जी को अशब्द कहने लगा। जब वह 100 गलतियाँ पार कर बैठा तब कृष्ण जी ने अपना स्वर्ण चक्र छोड़ा, तब वह मर गया। जब कृष्ण जी ने क्रोध से आके अपने स्वर्ण चक्र छोड़ा, तब उनकी उंगली से भी रक्त बहने लगा। भरी सभा में सब लोग उनकी उंगली पे लपेटने के लिए कुछ ढूंढ रहे थे। द्रौपदी ने बिना सोचे समझे अपनी साड़ी का गुना फाड़ के उनकी उंगली पे लपेट दिया। कृष्ण जी ने प्यार से बोला, बहन, तुमने मेरे कष्ट में मेरी सहायता करी, जब तुम कष्ट में होगी तब मैं भी तुम्हारी सहायता करूंगा। तब से हम रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। धन्यवाद।